तो चल रही है ना पीपीटी? मैम। सो ये यहाँ पे खत्म हो गया आपके एस्केल्मिन्थीस। अब हम जो नेक्स्ट लेंगे दैट इज योर एनीलिडा। सो एनीलिडा जो है ये भी आपके वर्म्स जैसे ही होते हैं, बस दीज आर सेगमेंटेड वर्म्स, ठीक है। और ये मोस्टली आपके फ्री लिविंग होते हैं। कुछ आपके कमेंसल्स भी होते हैं, मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन में रहते हैं, इस तरह के भी होते हैं, और पैरासिटिक भी होते हैं, बट यूजुअली आपके फ्री लिविंग होते हैं, जो आपके एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं या मरीन एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ये फर्स्ट फाइलम है जिसमें कि आपको ट्रू सीलोम मिलता है, मतलब जो सीलोम में कैविटी है उसकी लाइनिंग जो है वो मीसोडर्म से है, ठीक है। तो मीसोडर्म में लाइनिंग है आपके सीलोम में, तो दिस इज द ट्रू सीलोम। इनकी जो बॉडी होती है ये वापस सिलेंड्रिकल होती है, कुछ कुछ स्पीशीज में इनकी फ्लैटेंड भी होती है, बट इनमें सबसे खास बात ये है कि इनकी बॉडी जो है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, मतलब कि सेगमेंटेशन जो है हमें ऊपर से तो दिखता ही दिखता है बट अंदर से भी ये सेगमेंटेड होती है, ठीक है। इंटरनली सारे जो सेगमेंट्स हैं वो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से बाई सेप्टा बेसिकली, विच इज अ काइंड ऑफ मसल सॉर्ट ऑफ थिंग आप मान लो, ठीक है। उससे हम सारे सेगमेंट्स को जो है अलग अलग करके रखते हैं, और हर सेगमेंट जो है वो उसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, हर सेगमेंट का अपना अलग फंक्शन होता है। तो हर जो सेगमेंट है या हर डिविजन है उसको हम मेटामियर बोलते हैं या फिर सोमाइट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मेटामियर्स मिलके आपका जो पूरा ऑर्गेनिज्म है वो आपको बना हुआ मिलता है। और कुछ स्पीशीज होती हैं जिनमें की अपेंडेजेस भी प्रेजेंट होते हैं, बट इनकी जो अपेंडेजेस होते हैं वो जॉइंट अपेंडेजेस नहीं होते, मतलब कि जैसे ह्यूमंस में होता है ना, जैसे जॉइंट है, दो बोन्स है, दो इस तरह से बोन्स को ज्वाइन करते हैं हम आर्म्स पे या लेग्स पे जहाँ पे भी, तो इनके अपेंडेजेस जो है अनजॉइंट होते हैं, मतलब एक सिंगल फ्लो में होते हैं बेसिकली, ठीक है। इनमें कोई बोन्स वोन्स तो नहीं होते हैं बट हाँ, जो इनके अपेंडेजेस होते हैं वो एक मतलब एक ही मसल का पार्ट होते हैं बेसिकली, ठीक है। इसमें जो है, इसमें आपके जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं उसको हम काइटेनियस सीटे कहते हैं बेसिकली। तो ये काइटेनियस सीटे जो है ये आपका जो डॉर्सल सरफेस होता है, जो सरफेस आपके अर्थ को फेस करता है बेसिकली, उस सरफेस पे होते हैं, ठीक है। ये ऐसे काइटेनियस ग्रूव्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इसको मूव करने में, ठीक है। इसको हम पैरापोडिया भी कहते हैं, बट यूजुअली हम इसे सीटे कहते हैं, जो कि ये सभी जो सारे सेगमेंट्स होते हैं हर सेगमेंट पे आपको ये काइटेनियस सीटे जो है वो मिलता है, जो कि हेल्प करता है आपके वर्म को मूव करने में ऑन द अर्थ। लीच लीचेस में यूजुअली ये नहीं होता है, ठीक है। और इसमें जो है, इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड बिल्कुल डिस्टिंक्ट होता है। एंटीरियर एंड जो है उसमें आपका हेड होता है, उसमें प्रोबोसिस होता है, मतलब एक स्पेसिफिक डिफ्रेंसिएशन होता है, आपको देख के समझ जाएगा कि दिस इज द हेड एंड दिस इज द टेल, इस तरह का डिफ्रेंसिएशन होता है। उसके अलावा बॉडी के ऊपर क्यूटिकल तो होती ही है जो कि आपके वाटर से बेसिकली प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो गैसेस का फ्री एक्सचेंज अलाउ करती है। उसके अलावा इट हैज एपिडर्मिस, ठीक है। उसके पास मसल लेयर होता है, सर्क्युलर मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं। ये जो वर्म्स हैं ये आपके फ्री लिविंग है, तो ये आपके कहीं पे क्रॉल करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है, इस तरह की चीजें करते हैं। तो अर्थ वर्म जो है ये आपके एनिलीडा का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो अर्थ वर्म जो है वो मूव करते हैं अर्थ पे, तो दे रिक्वायर सर्क्युलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, इनको बहुत मूव करना पड़ेगा, बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा एपिडर्मिस होता है इनके पास, इनके पास सेंसरी और ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, ठीक है, जो एनवायरनमेंट सेंस कर सकते हैं, जो वेरियस चीजें सिक्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि जो ऑर्गन डेवलपमेंट जो है वो और अच्छे से हो गया है। इसमें आपको मसल्स भी हैं, आपका ट्रू सीलोम है, ठीक है। उसके बाद आपके ब्लड वेसल्स हैं, इंटेस्टाइन है, सारी चीजें जो है आपकी प्रेजेंट है। किसी को कुछ डाउट? मैम, ये जो शिजोसिलोम है, हाँ ये
जिनमें भी ट्रूसिलोम होगा उन सबको बोलेंगे या फिर सिर्फ एनेलिड्स को बोल रहे हैं? ये हम सभी सभी को बोल सकते हैं बेसिकली, शिजोसिलोम जो है वो हम सभी को बोल सकते हैं बेसिकली। एक्चुअली शिजोसिलोम जो है वो इसके लिए है कि एपिथीलियम मतलब मीजोडर्मल एपिथीलियम सेल से जो है सीलोमिक कैविटी लाइन है, इसीलिए इसको हम शिजोसिलोम कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी आपके एपिथीलियम सेल्स, विच इज मोस्टली ट्रू फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स, मीजोडर्मल सेल्स जो है वो एपिथीलियम सेल्स ही होते हैं। ठीक है, तो उन उन सभी को हम शिजोसिलोम कह सकते हैं। ओके यस मैम, यस मैम। तो अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारी चीजों का डेवलपमेंट आपको दिखेगा, जैसे कि आपका ब्रेन दिख रहा है आपको, आपको हार्ट दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा, मतलब आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो थोड़ा थोड़ा डेवलप होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो अगला फाइलम हम देखेंगे उसमें फुल्ली डेवलप हो जाएगा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सीलोम है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, सेगमेंट के वॉल्स है, सेगमेंटेशन होता है, सीटे होता है, इसमें सेप्टम होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये जो आपको ऐसे छोटी छोटी लाइंस दिख रही है ना, ये आपकी सीटे होते हैं जो हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म को मूव करने में। ठीक है, और ऐसे सेगमेंटल वॉल्स होते हैं जो सेपरेट करते हैं हर सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट। ये आपको दिख रहा है, ये दिस वॉल। ठीक है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये हमें समझ में ही आ रहा है। तीनों लेयर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ऑब्वियसली ट्रू सीलोम है। ठीक है, ट्रू सीलोम है, तीनों लेयर्स प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। इसमें भी बाइलैटरल सिमेट्री है। ठीक है, इसमें भी जो सीलोम है वो शीजो सीलोम है, जो कि आपके एपिथीलियल मीजोडर्मल सेल्स से बना हुआ है। ठीक है, इसके पास भी आपका कोई स्केलेटन नहीं होता है बेसिकली। ठीक है, तो आपका जो सीलोमिक फ्लूइड है वही आपका हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जैसा एक्ट करता है। और इनमें एक स्पेशलिटी होती है कि जब भी ये एम्ब्रियो से आपका डेवलपमेंट मतलब डेवलप होता है, तो हमेशा जो माउथ है, जो ब्लास्टोपोर है, वो आपका माउथ बनाता है। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ये ब्लास्टोपोर जो है उससे आपका एनस बनता है। तो हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनसे जो ब्लास्टोपोर जो है वो माउथ बनाता है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोटोस्टोमी कहते हैं बेसिकली, जिसमें कि प्रोबोसिस पहले बनता है, या प्रोबोसिस, ब्लास्टोपोर जो है वो प्रोबोसिस बनाता है, इसीलिए हम इसको प्रोटोस्टोमी कहते हैं। तो ये आपका फर्स्ट प्रोटोस्टोमी ऑर्गेनिज्म है, जिसमें कि ब्लास्टोपोर जो है वो आपका माउथ बना रहा है। वेयर एज जब हम डेवलपमेंट में आगे जाएंगे तो आप देखोगे कि मोलस्क हो गए, एकाइनोडर्म्स हो गए, कॉर्डेट्स हो गए, इन सब में जो आपका ब्लास्टोपोर है वो आपका एनस बनाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंस है। उसके अलावा हमें पता ही है कि बॉडी कवरिंग, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मसल लेयर्स हैं उसमें, उसके पास हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, एवरीथिंग। ठीक है, किसी को कोई डाउट? मैम, जो जो एनिमल ब्लास्टोपोर से एनस बनाते हैं उसे क्या बोलेंगे? उसको ए प्रोस्टोमी या ऐसे कुछ बोलते हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, एक मिनट, लेट मी रिमेम्बर। क्या बोलते हैं, आई जस्ट फॉरगॉट। यस मैम, हम चेक कर लेंगे। हाँ हाँ ड्यूटेरोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमी कहते हैं उसे। ठीक है, यस मैम। ओके। सो ये फर्स्ट आपका प्रोटोस्टोमी ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद इसमें भी अगर आप बात करोगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना कि सिर्फ कंप्लीट है, बट इसमें आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका डेवलपमेंट जो है धीरे धीरे आगे जा रहा है। ठीक है, इसमें रेस्पिरेशन जो है वो आपके स्किन के थ्रू होता है, और कुछ स्पीशीज में आपको गिल्स जैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं, मतलब गिल्स तो नहीं होते हैं इनमें, बट गिल्स जैसे, ऐसे स्यूडो गिल्स सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर दिखते हैं कुछ कुछ स्पीशीज में।
ठीक है, उसके बाद इनके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डेवलप होने लग जाता है, तो इनके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हार्ट जो है वो सबसे पहला आपको एनिलीड्स में दिखने लगता है, एक पंपिंग ऑर्गन जो कि आपका ब्लड या कोई फ्लूइड जो है उसको फ्लो करवा रहा है थ्रू आउट द बॉडी। और इनके पास भी हीमोग्लोबिन होता है सबसे इम्पोर्टेंट। इससे पहले कहीं भी आपका सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं था, तो जो फर्स्ट फाइलम जहाँ पे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम दिखा, जहाँ पे ब्लड में हीमोग्लोबिन दिखा, दैट इज योर एनीलीड। इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो नेफ्रीडिया होता है, और नेफ्रीडिया जो है वो बिल्कुल सिमिलर होता है आपके ह्यूमंस की किडनी से। तो अगर आप स्ट्रक्चर वाइज भी देखोगे नेफ्रीडिया, तो वो बिल्कुल आपका जैसे नेफ्रॉन होता है उस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे ही आपके आपके ब्लड वेसल्स जो है लूप लूप अराउंड करते हैं आपके नेफ्रीडिया के, और ब्लड वेसल से जो भी इम्प्योर चीज़ें होती हैं वो आपका नेफ्रीडिया जो है उसे अब्जॉर्ब कर लेता है और उसे एक्सटर्नल पोर के थ्रू डिस्चार्ज कर देता है। वेरस जो आपके इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है अब्जॉर्ब हो जाती है। तो स्ट्रक्चर वाइज ये दिख रहा है आपको कि धीरे धीरे जो वो नेफ्रॉन जैसा स्ट्रक्चर है जो किडनी में होता है उस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखने लगेगा। ठीक है, फिर इसमें आपका जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम भी अब ज़्यादा डेवलप होने लग जाता है। आपका सेरेब्रल गैंग्लिया जैसा आपको स्ट्रक्चर दिखता है इसमें। बेसिकली इसमें भी एक्चुअली होती तो नर्व रिंग ही है, बट इसमें डबल नर्व रिंग होती है। जैसे कि स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखोगे तो दो, एक सेरेब्रल गैंग्लिया है और एक सब फेरेंजियल गैंग्लियन है। ठीक है, बेसिकली दो तरह के हैं जो आपके डिफरेंट तरह के नर्व कॉर्ड्स को जनरेट करते हैं। ठीक है, यूजुअली आपका जो सब फेरेंजियल गैंग्लियन है वो आपके सारे नर्व कॉर्ड्स को जनरेट करता है। उसके अलावा इनमें कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, आईज प्रेजेंट होती हैं इनमें। तो ये बहुत डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है आपका एज कम्पेयर टू एनीलीड। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट? मैम, ये हीमोग्लोबिन ह्यूमंस वाला ही है? हाँ, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन ये हीमोग्लोबिन तो एक केमिकल चीज है, उसका स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट हो सकता है? मैम, हीमोग्लोबिन का ओरिजिन एनिलिड से हो गया। हाँ मैम, ये क्रॉप जो है डायग्राम में, हाँ मैम ये क्या करता है? बेसिकली ये आपका डाइजेस्टिव पार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा होता है। ये आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। यस मैम। अब ये गिजर्ड वगैरह सब ये इंटेस्टाइन का हाँ, पार्ट है? ये सब इंटेस्टाइन का पार्ट है। अच्छा मैम। मैम, ये नेफ्रीडिया और मेटानेफ्रीडिया में क्या डिफरेंस आता है? मतलब बेसिकली जो नेफ्रीडिया है वो आपका एक्सक्रीटरी? मैम, नेफ्रीडिया तो एक्सक्रीटरी है ना? हाँ नेफ्रीडिया आपका एक्सक्रीटरी है। मेटा नेफ्रीडिया बेसिकली नेफ्रीडिया जैसा ही होता है, बट क्या कहते हैं आपका स्ट्रक्चरली थोड़ा डिफरेंट। बेसिकली नेफ्रीडिया और मेटा नेफ्रीडिया जो है वो आपको डिफरेंट सेगमेंट्स में मिलते हैं, आपके ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट सेगमेंट्स में मिलते हैं। यस मैम। उनका फंक्शन सिमिलर ही होता है, कोई डिफरेंट फंक्शन नहीं होता है, एक्सक्रीशन में ही फंक्शन होता है दोनों का। यस मैम। सो मूविंग फॉरवर्ड, इसमें जो आप इसमें एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, विच इज द प्रॉपर्टी टू रीजनरेट, जो कि आपके सिलेंट्रेटा में भी होती है रीजनरेशन की प्रॉपर्टी। वैसे ही रीजनरेशन की प्रॉपर्टी आपको इसमें भी दिखते हैं। बिकॉज आपने पढ़ा होगा कि बहुत बहुत सारी लैब्स जो हैं वो स्टडी करती हैं अर्थ वॉर्म किस तरह से रीजनरेट करता है उस पे। तो बेसिकली हमारे इंस्टीट्यूट में देयर इज अ लैब विद स्टडीज ऑन रीजनरेशन ऑफ अर्थ वॉर्म्स। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे इतने बड़े और वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन हो रहा है।
ठीक है, जो सिलेंट्रेट्स है वो तो बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है, उनमें इतना ऑर्गन वॉर्गन कुछ नहीं होता है, तो उसमें रीजनरेशन ईजी है. बट रीजनरेशन इन सच ऑर्गेनिज्म जहाँ पे इतना सारा टिश्यू वेरिएशन है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट एंड बहुत डिफरेंट होता है. ठीक है, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीजनरेशन आपके कौन से फाइलम्स में हमें देखने को मिलता है. तो वन इज योर दिस वन, ठीक है, एनी नीड्स. अब इसमें जो डेवलपमेंट है ये आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं. तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में ये एक ट्रोचोफोर लार्वा के फॉर्म से डेवलपमेंट होता है इसका. तो बेसिकली ये जो ट्रोचोफोर लार्वा है वो इस तरह का दिखता है, ये सम डायमंड सॉर्ट ऑफ थिंग. तो अगर आप देखोगे जो लार्वल फॉर्म होता है ऑर्गेनिज्म का वो आपके एडल्ट फॉर्म से बहुत डिफरेंट दिखता है. ठीक है, तो इसमें जो आपको दिख रहा होगा कि जो सीलोम है वो इस तरह से बेंड है, जब आपका डाइजेस्टिव ट्रैक जो है गट है वो इस तरह से बेंड फॉर्म में है, सीलिया जो है वो इस तरह से बैंड्स के फॉर्म में प्रेजेंट है. तो जैसे जैसे ये आपका ट्रोचोफोर लार्वा है, ठीक है, धीरे धीरे ये ट्रोचोफोर लार्वा जो है वो डेवलप होने लगता है और इनमें आपके सेगमेंट्स बनने लगते हैं, और जब सब सेगमेंट्स बन जाते हैं तो इस तरह से ये एडल्ट ऑर्गेनिज्म बन जाता है आपका. ठीक है, फिर आपका जो ब्रेन है, ब्रेन आपका पहले एक छोटा सा डॉट सॉर्ट ऑफ रहता है जो कि धीरे धीरे नर्व कॉर्ड्स बनाता है, नर्व रिंग बनाता है, ये सारी चीजें बनाता है. तो बेसिकली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ही ये है कि किसी लार्वल स्टेज के थ्रू उसका डेवलपमेंट हो रहा है. ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? नो मैम. ओके, सो फिर हम देखेंगे फाइनली कि इसमें आपके कौन कौन से क्लासेस होते हैं. इसमें पॉलीकीटा होता है, ऑलिगोकीटा, हिरुडिनेरिया और आर्की एनिलीडा. ठीक है, ये चार जो हैं ये इसके क्लासेस हैं. सो आप लोग प्लीज़ जो सारे फाइलम्स हैं उनको रिवाइज करते रहिए, बिकॉज सब में बहुत सारे क्लासेस हैं और याद होना चाहिए, बिकॉज ये सारी चीज़ें कभी कभी पूछी जाती हैं, मतलब ऐसे रैंडम क्वेश्चंस आते हैं कि पॉलीकीटा जो है वो कौन से फाइलम में आता है. सो बाय मिस्टेक हम ऐसे बहुत बार करते हैं कि पॉलीकीटा है तो वी पुट इट इन आर्थ्रोपोड्स और समथिंग लाइक दैट, वो आपको पता चलेगा कि ऐसे क्यों बोल रही हूँ मैं. ठीक है, तो पॉलीकीटा जो है वो आपका मराइन होता है, इसमें सिफिलाइजेशन होता है. ठीक है, हेड, आईज, टेंटिकल सारी चीज़ें डिस्टिंक्ट होती हैं, सीटे तो बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, सकर्स इसमें एबसेंट होते हैं. ठीक है, क्योंकि ये फ्री लिविंग है और इसमें डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट होता है. तो आपको हर एक का ना एग्जाम्पल याद होना चाहिए. तो पॉलीकीटा जो है नेरिस उसका एग्जाम्पल है. तो अगर आप देखोगे नेरिस का जो स्ट्रक्चर होता है वो हर सेगमेंट में उसके पास बहुत सारे के पैरापोडाज होते हैं, ऐसे बहुत सारे सीटेस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और ये यूनिसेक्सुअल होता है बेसिकली. जो हम देख रहे थे सेक्सेस सेपरेट, तो वो आपका इस फाइलम में नहीं होता. एनी लीड्स में आपके यूजुअली यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बाइसेक्सुअल कम मिलते हैं आपको, बाइसेक्सुअल भी होते हैं बट कम होते हैं. ठीक है, उसके बाद आपका रहता है ऑलिगोकीटा जो कि आपके मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं. पॉलीकीटा तो सारे आपके मराइन होते हैं, इसमें ऑलिगोकीटा जो है वो मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं बट कुछ आपके एक्वेटिक भी होते हैं. ठीक है, फिर इसमें एक चीज़ होती है जो सिफिलाइजेशन हम पढ़ रहे थे कि हेड डिस्टिंक्ट होता है, इसमें सिफिलाइजेशन एबसेंट होता है, इसमें आईज और टेंटिकल्स और ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्टिंक्टली प्रेजेंट नहीं होती. ठीक है, सीटे तो होता है इसमें, सीटे फॉर लोकोमोशन, पैरापोडिया और सकर्स जो है वो एबसेंट होते हैं. ठीक है, और इसमें एक चीज़ होती है, इस क्लाइटेलम जो है जिसको हम ककून फॉर्मेशन कहते हैं बेसिकली, इसमें ककून फॉर्मेशन होता है जब जब इसका डेवलपमेंट होता है उस फेज में कहीं ना कहीं इसका ककून फॉर्मेशन होता है, और ये बाइसेक्सुअल होते हैं. ठीक है, इसका एग्जांपल है पेरिटीमा विच इज़ योर अर्थ वर्म. तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी याद होनी चाहिए. फिर हिरुडिनेरिया जो है वो आपका एक्वेटिक है और टेरेस्ट्रियल भी है, बट दीज आर यूजुअली आपके एक्टोपैरासाइट्स जो किसी ऑर्गेनिज्म में आपके चिपक के रहते हैं, जैसे कि आपकी लीच
इसमें जो है पैरापोडिया या सीटें नहीं होता है, बट सकर्स जो है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और ये भी आपके बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब कि आपका मेल और फीमेल जो है वो डिफरेंट होते हैं, और इसमें डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होता है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी याद रखनी है। फिर आर्की एनिलीडा जो है वो आपका बिल्कुल मराइन होता है, इसमें भी आपका सिफिलाइजेशन नहीं होता है, मतलब कि आपका सिफिलाइजेशन नहीं होना मतलब कि आपके आप डिस्टिंक्शन नहीं कर पाओगे कि हेड कौन से, आईज कौन से हैं, टेंटिकल कौन से हैं, ये सारी चीजें आप डिस्टिंक्टली नहीं देख पाओगे, ठीक है। इसमें आपके पैरापोडिया और सीटे जो है वो दोनों एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये भी आपका यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेक्सुअल इन अ सेंस कि आपके जो सेक्सेस है वो आपके सेपरेट है बेसिकली, और बाइसेक्सुअल मतलब कि आपके एक ही ऑर्गेनिज्म में आपके दोनों सेक्सेस जो है वो प्रेजेंट है। तो इस तरह जो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो या तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं या सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने की भी एबिलिटी वो रखते हैं। यूजुअली जैसे अर्थ वर्म्स होते हैं वो आपका क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं बट बहुत। मैम, जो रिप्रोडक्शन के टाइम जो नपचुअल डांस होता है वो इसी फाइलम में होता है क्या? नहीं नहीं ओके नहीं 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 आर्थ्रोपोड्स में होता है, नपचल डांस। मैम। सो आज के लिए इतना ही था, फिर हम देखेंगे। मैं मतलब कम कम ले रही हूँ बिकॉज आप सब इसे रिवाइज करोगे तभी हो पाएगा, बहुत सारा सारा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू मैम।